क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी, राजस्थान एमपी में थरूर को पोलिंग एजेंट नहीं मिले। अंधेरी उपचुनाव में नया मोड़, शिंदे के विधायक अपिल ठाकरे गुट के प्रत्याशी को निर्विरोध जिताए। तेजस्वी यादव ने आईएमए की मांग खारिज, कहा एनएमसीएच के अधीक्षक के निलंबन पर पुनर्विचार नहीं। शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा मैं आसमान उछाल के साथ ट्रैक पर बल्लेबाजी कर रहा हूं, पिच से छेड़छाड़ नहीं चाहता। डीएमके नेता एमके स्टालिन 2024 को लेकर किया ऐलान, कहा केंद्र में गैर भाजपा सरकार के गठन में करेंगे मदद। गुजरात के भावनगर में जनसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, गुजरात को डबल इंजन नहीं, नया इंजन चाहिए। आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में बारिश का कहर, विजयवाड़ा में पहली बार बाढ़ की चेतावनी। तमिलनाडु से टेरर फंडिंग जुटाने में लगा आतंकी संगठन लिट्टे, कई जगह हथियार की अवैध फैक्ट्री बनाए, एनआईए को मिले अहमद सबूत। हरियाणा में सड़क हादसे में 5 की मौत, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, जान गंवाने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक बोली, मेरी हैसियत 100 रुपए की चप्पल की, कहा सत्ता में रहे या नहीं, स्वभाव जैसा है वैसा ही रहेगा। शिंदे की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सिख समुदाय को आपत्ति, चुनाव आयोग से निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे और थरूर में सीधा मुकाबला, मल्लिकार्जुन रेस में आगे पर चुनाव जीतने में शशि का रिकॉर्ड बेहतर। आंध्र प्रदेश में 18 कुत्तों की जहर देकर हत्या, आरोपी बोला सरपंच ने दिया था आदेश, जनवरी में भी 100 कुत्तों को जहर देकर मारा था। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस में को मिली जीत, भाजपा को मिले केवल उपप्रमुख के पद। राजस्थान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। झांसी में मुलायम सिंह की स्मृति में बनेगा म्यूजियम, बुंदेलखंड से जुड़ी नेताजी की यादों को संजोया जाएगा। ब्लैकलिस्ट भुवन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नाम बदल कर किया कॉन्ट्रैक्ट, सांसद मेनका गांधी बोली पैसा लेकर काम नहीं करना चाहती, इसकी फितरत। साध्वी प्राची का एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार, का हाली हो या खली, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आगरा में शराब पीने पर टोका तो युवक की हत्या, ठेले से चाकू उठाकर सब्जी विक्रेता के सीने में मार दिया।
फतेहपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ विरोध पर की पिटाई, बचाने आए छोटे भाई को दांत से काटा, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। मऊ में घाघरा नदी का कहर जारी, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 225 परिवारों को बांटी राहत सामग्री, टूटे बांध को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। दो बुर्गा नशीले उड़ी साने की अंगूठियों का डिब्बा, मुजफ्फरनगर में मयंक ज्वेलर्स शोरूम पर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध महिलाएं। गाजियाबाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, तवे से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। मुरादाबाद में सेवा द सर्विंग की नई पहल, अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देगी संस्था, क्लासेस शुरू। बिजनौर में युवक ने खाया जहर, राहगीरों को पड़ा मिला बेहोश, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर दूर गंगा, निचले इलाकों के सैकड़ों मकान जलमग्न, प्राइवेट नावों से आवागमन कर रहे हैं लोग। औरैया में जल भराव से घरों में निकलना हुआ दुभर, बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, शिकायत के बाद भी पालिका प्रशासन अनजान। अंतिम दौरे में बरेली के मदरसे की जांच, अभी तक जांच में 130 से अधिक मदरसे मिले गैर मान्यता प्राप्त। रायबरेली में मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत में ऑटो पार्ट संचालक से मारपीट, रटोल के मुख्य चौराहे पर 3 दबंगों ने पीटा, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बाराबंकी में 3 दोस्तों ने दोस्त की हत्या की, पार्टी के बहाने घर बुलाए, चाकू से गोद कर नदी में फेंका, 2 महीने पहले हुआ था विवाद। वाराणसी में आयुर्वेद अस्पताल की ओपीडी बंद, इलाज बाधित, बीएचयू के सुरक्षाकर्मी और छात्रों में मारपीट। औरैया में डाक वाहन में पीछे से घुसी वैगनार, पति पत्नी व बेटी की मौत, 1 बेटा बेटी और चालक घायल। कानपुर में संक्रामक बीमारियों का कहर, मरीजों से हेलेट मेडिसिन वार्ड फुल, रावतपुर में हर घर में मिला डेंगू का लार्वा। बागपत में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, मुख्य बाजारों और धार्मिक स्थलों के पास घूमने वालों से होगी पूछताछ। प्रेमिका को पीटा, बहन को धमकी दी, मेरठ में शादी न करने पर दी हत्या की धमकी, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। बदायूं में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, 20 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा ट्रक, मासूम बच्चा हादसे में बाल बाल बचा। मेरठ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पत्नी से झगड़ा कर गया था, नशे की हालत में रेलवे लाइन पर पार करते समय हादसा हुआ। बांदा में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट, 25,000 की नकदी व सोने चांदी को ले गए जेवर, खुद पुलिस बताकर ले रही की तलाशी। गाजीपुर में ओपी राजभर नीतीश कुमार पर हमला, बोली बिहार में फैलाई नफरत, इसलिए नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं।
अलीगढ़ में हापुड़ के सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा, तीन लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, लूटी गई 72 चूड़ियां भी बरामद। बुलंदशहर में हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस, हादसे में पेट की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे तीन परीक्षार्थी भी घायल। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने तीन शातिर ट्रप्पेबाज को 3 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ता के साथ किया गिरफ्तार। एमयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, वीसी पर लगाए तानाशाही के आरोप। हरदोई में दबंगों ने डॉक्टर के चैंबर में घुसकर स्वीपर से की मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल। गरमाया नए शंकराचार्य का विवाद, अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं करने दिया अन्नपूर्ण मंदिर में दर्शन, बाहर से लौटे। दिवाली पर उत्तराखंड के 6 शहरों में होगी हवा की सेहत की निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश। विजयवर्गीय बोले, बूथ स्तर तक पहुंचाए विकास कार्यों की जानकारी, मीडिया व सोशल मीडिया टीम का किया मार्गदर्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे उत्तराखंड के दून में, उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति की शुरुआत। उत्तराखंड के ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर गज परिवार देख लोगों को थम गई सांसें, दोनों वाहनों की लगी लंबी कतारें। आपराधिक घटनाओं पर सीएम धामी सख्त, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पर होगी कार्यवाही। ज्योतिष पीठ पहुंचे संतों का नगर में भव्य स्वागत, रविग्राम स्थित जेपी मैदान आयोजित सत्रों को होगा संत सम्मेलन। कैबिनेट मंत्री के भाई के घर हुई डकैती में शामिल बदमाशों की पहचान, पुलिस ने किया बदमाशों को लेकर बड़ा खुलासा। नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने युवती से किया दुष्कर्म, हादसे में मंगेतर की मृत्यु होने से परेशान थी युवती। महिला ने व्हाट्सएप कॉल पर बनाई अश्लील वीडियो, ठगे 3.91 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड के लक्सर में बदमाशों ने सरे बाजार पुलिसकर्मियों पर चलाई गोली, कांस्टेबल घायल, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार। केदारनाथ में ठंड से बीमार पड़ रहे तीर्थयात्री, विभाग ने उठाए कदम, जारी की हेल्थ एडवाइजरी। काठगोदाम लालकुआ से लेकर रामनगर तक रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान, धमकी मिलने के बाद अलर्ट हुई पुलिस। सिडकुल क्षेत्र में युवक और युवती के शव पेड़ पर लटकने मिलने से फैली सनसनी, घटना की जांच कर रही है पुलिस। तिहार से हरिद्वार जेल में शिफ्ट हुआ कुख्यात सुनील राठी, अधिकारियों की परेशानी बढ़ी। रूस की किव पर ईरानी ड्रोन से हमला, राजधानी में 3 जगह धमाके, 10 अक्टूबर को रूसी सेना ने 9 शहरों में दागी थी 83 मिसाइलें।
बाइडेन ने हिजाब प्रदर्शन का किया सपोर्ट, ईरानी राष्ट्रपति बोले यूएस प्रेसिडेंट आतंक भड़का रहे हैं। पाकिस्तान उपचुनाव में 8 में से 6 सीटें जीतकर पूर्व पीएम इमरान खान इतिहास रचने की तरफ। नाइजीरिया में आई बाढ़ से 13 लाख से ज्यादा हुए बेघर, झेल रहा है भीषण आपदा का दंश। पीएम मोदी के मिस्र दौरे को लेकर जयशंकर ने दिया जवाब, बोले उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं। ब्रिटेन में गिर सकती है ट्रस्ट सरकार, सांसदों ने की पीएम से इस्तीफे की मांग, ऋषि सुनक की वापसी पर सटोरियो ने लगाया दाव। चीनी सीसीपी मीटिंग में गलवान का वीडियो दिखाया, फौज के कमांडर को भी मीटिंग में बुलाया, उसे विंटर ओलंपिक की मशाल भी सौंपी थी। पाकिस्तान में बाढ़ से कब्रिस्तान, डूबे शव दफनाने की जगह खोजने में मुश्किल, लोग पहाड़ियों में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बेलारूस में 9,000 से अधिक तैनात करने जा रहे हैं पुतिन, यूक्रेन जंग में पहली बार होगी तीसरे की एंट्री। बाढ़ की चपेट में ऑस्ट्रेलिया, पीएम एंथोनी अल्बानीज ने किया मेलबर्न और विक्टोरिया राज्य का दौरा। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की धमाकेदार लिस्टिंग, 53% प्रीमियम के साथ 90 रुपए का लिस्ट हुआ, ईएमआईएल के इश्यू प्राइस 69 रुपए था। आरबीआई व सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सुब्रमण्यम स्वामी ने बैंक लोन फ्रॉड मामले में दायर की थी याचिका। देश में 5 साल में आ सकता है 475 अरब डॉलर का एफडीआई, एमएनसी ने भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य माना। पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक अपने नेतृत्व को कर रहा है मजबूत, दो अधिकारियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। एसबीआई बैंक में एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 5.85% तक मिलेगा इंटरेस्ट। जियो ने बंद किए 12 रिचार्ज प्लान, इनमें से मिलता था डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, 5G सर्विस शुरू होने के बाद लिया फैसला। जेरेमी हंट ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने, बोले मेरे पूर्ववर्ती ने गलतियां की, इसलिए मैं यहां। बैंकिंग फ्रॉड केस में सीबीआई का एक्शन, डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी व 74 अन्य के खिलाफ चार्जशीट फाइल। पीयूष गोयल ने निर्यात की तेजी को बनाए रखने पर दिया जोर, कहा भारत 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और सरकारी नियमों की सख्ती, ध्वस्त हो रहा है शिवकाशी का 6,000 करोड़ का पटाखा कारोबार। टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के खराब फॉर्म से बड़ी भारत की चिंता, नहीं खेल पा रहे हैं बड़ी पारी। सूर्य कुमार यादव का रौद्र रूप देख स्टार का हुआ बुरा हाल, कर दी ऐसी बेवकूफी, खुद भी चौंक गए।
कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर की निकाली हेगड़ी, आगे बढ़कर लगाया छक्का, देखता रह गया गेंदबाज। टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल करते इमोशनल हुए आरबीआई खिलाड़ी, आंखों से निकले आंसू। शमी की चार गेंदों पर चार विकेट, ऑस्ट्रेलिया की टीम को 11 रन चाहिए थे, चार बना पाई, कोहली के सुपर कैच पकड़ा। नीदरलैंड ने यूएई को 3 विकेट से दी मात, टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में बॉस डी लुइजे बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैच के दौरान धड़ाम से गिर पड़ा यूएई का प्लेयर आयान अफजल, आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे थे, बाउंड्री लाइन में पैर फंसा। फिर से उमरान मलिक ने आग उगलती गेंदों से मचाया गदर, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में बरपाया कहर, बैटर के उड़े स्टंप। वर्ल्ड कप से पहले रंग में नजर आए शमी, दिनेश कार्तिक को नेट्स में किया क्लीन बोल्ड। आकिब जावेद का बड़ा बयान, कहा बुमराह के बिना टीम इंडिया अधूरी, लेकिन हार्दिक पांड्या बन सकता है गेम चेंजर। मलाइका अरोड़ा ने बताई एक्टिंग से दूरी की वजह, बोली हिचकिचाहट की वजह से दूर हुई। ताइक्वांडो मैच में शाहरुख के बेटे ने जीत हासिल की, एसआरके ने अपने हाथों से बेटे को पहनाया गोल्ड मेडल, स्टेज पर ही लुटाया प्यार। जानवी कपूर ट्रेडिशनल लुक में मिली के ट्रेलर लॉन्च पर रेड, शिफॉन साड़ी में पहुंची एक्ट्रेस, फैंस बोले ये तो बिल्कुल श्रीदेवी लग रही है। पेप्रोजी पर भड़की जया बच्चन, नाती नव्या नवेली ने कराया शांत, यूजर्स बोले यार इसे बच्चन साहब कैसे झेलते हैं। आयुष्मान खुराना की प्रिय दिवाली पार्टी में पहुंचे कार्तिक आर्यन, फैंस ने पर्दे पर साथ नजर आने की अपील की। नोरा फतेह का इंडियन लुक का वीडियो आया सामने, शिमरी साड़ी में दिखी ग्लैमरस खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस। बच्चों के साथ घूमने निकले शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर मास्क लगाए दिखे पति राज कुंद्रा, शमीसा की क्यूटनेस के दीवानी हुए फैंस। सलमान खान ने लगाई सिद्धार्थ क्यारा के रिश्ते पर मुहर, नेशनल टेलीविजन पर खिंचाई करते हुए दी बधाई। लैक्मे फैशन वीक में सितारों का जलवा, शॉर्ट ऑरेंज ड्रेस में अनन्या पांडे ने किया जबरदस्त रैंप वॉक। ससुराल सिमर की फेम वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी, जबरदस्ती शादी करना चाहता था पड़ोसी। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।